गर्ल्स कॉलेज में आना उतना आसान भी नहीं होता। हाँ, एक बार आया था सन 94 में जब मैंने नौकरी शुरू की थी और एक ह्यूमन राइट का सेमिनार था यहाँ और उसमें मैं आया था। थैंक यू सो वेरी मच। पार्लियामेंट में जो होना चाहिए वो आप लोग कर रहे हैं और कोरम भी पूरा है। आमतौर पर आपको कभी कभी देख के बहुत दुख होगा कि बहुत महत्वपूर्ण मसलों पर बात होती रहती है और ट्रेजरी और अपोजिशन बेंच मिला करके आपको मुश्किल से 5% लोग पार्लियामेंट में दिखते हैं। वो अपने आप में इतनी बड़ी है, हालांकि हर दिन ऐसा नहीं होता। इससे पहले कि मैं 2-4 चीजें बहुत संक्षेप में आपके सामने रखूं, मैं एक चीज कहना चाहूंगा। एक पार्लियामेंटेरियन थे प्रोफेसर हीरेन मुखर्जी, कम्युनिस्ट पार्टी के थे और उस दौर में कम्युनिस्ट पार्टी मेन अपोजिशन हुआ करती थी। 52 से लेकर 77 तक लगातार मेंबर पार्लियामेंट रहे, कई जुबान जानते थे और हम जुबान भी ढूंढ लेते थे। नेहरू के बहुत बड़े क्रिटिक थे लेकिन नेहरू पर एक बायोग्राफी भी थी जनरल कोलोसस नाम से। उस किताब में नेहरू का जिक्र करने से पहले वो कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपने पहले शिष्य आनंद से पूछा कि आनंद, क्या तुमने वज्जियन लोगों के बारे में सुना है? वज्जियन डायनेस्टी, आप में से जो लोग हिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे जानते होंगे, जो नहीं होंगे वो गूगल कर लीजिएगा। तो आनंद ने कहा जी मैंने सुना है। तो क्या सुना है? तो आनंद ने कहा कि महात्मा मैंने ये सुना है कि वो खुल करके आजादी से बिना डर बिना भय के लगातार अपनी संसदों में असेंबलीज में बात करते रहते हैं। तो बुद्धा ने कहा कि आनंद, जब तक वज्जियन ऐसा करते रहेंगे उनका पराभव कभी नहीं होगा, वह ध्वस्त नहीं होंगे। लेकिन हमारा पराभव हुआ, हम उसी वज्जियन परंपरा के हैं। लेकिन बहुत बात करूंगा तो दूर तक जाएगी, इसलिए उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं। एक चीज मैं जरूर आपके सामने, क्योंकि मैं ज्यादातर लोगों को जो यहां देख रहा हूं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं यहां, मेरी अपनी बेटी भी सेकेंड ईयर में है दिल्ली विश्वविद्यालय में और उसको मैं उसके जन्म के वर्ष से, जब उसका जन्म हुआ वो आखिरी साल जो पिछली सदी का था तब वो पैदा हुई थी इसी जनवरी के महीने में, उसके जन्म से मैं उसको एक खत लिखता हूं प्रति जन्म दिवस। और उस खत पे अक्सर मैं कोशिश करता हूं, जब वो नहीं समझती थी अब तो समझने लगी है, तो बातें मैं उसी संदर्भ में मैं आपसे 2-3 बातें कहूंगा। मेरा पूरा जनरेशन, हमारा पूरा जनरेशन, जो मेरी उम्र के अपने को कह सकते हो इस हॉल में, हम लोग मुतमईन थे। बहुत ये थे कि जो आजादी है, जो न्याय है, जो समता है, वो हमेशा बरकरार रहेगी। इतने निश्चिंत हो गए कि हमने उसके बारे में सोचना फिक्र करना बंद कर दिया, बिल्कुल फिक्र करना बंद कर दिया। हम एक बेफिक्र कौम के रूप में तब्दील हो गए। आज अचानक आप देखिए, मैंने कल ही गांधी पर एक जगह उनकी स्मृति में था, मैंने कहा कि ऐसा क्यों है कि हम अचानक बीते कुछ वर्षों में बाबा साहब को ज्यादा याद करने लगे हैं, या पंडित जवाहरलाल नेहरू को ज्यादा याद करने लगे हैं, या नेताजी को ज्यादा याद करने लगे हैं, या बापू को ज्यादा याद करने लगे हैं। ये हमारे आपके समाज के बीमार होने का संकेत है। जब आदमी को बुखार हो जाता है ना, तो पुराने ख्याल लौट लौट के आते हैं। बेड पे बैठा क्या करिएगा? कितनी देर व्हाट्सएप देखिएगा? कितनी देर गूगल में चेक करिएगा? पुरानी चीजें याद आती है। ये वो दौर है और इस दौर में आप लोगों को कुछ चीजें समझनी होगी। जिस डेमोक्रेसी तर्क क्षेत्र की बात आप कर रहे हैं, ये ग्रीक लोगों ने दिया और उस जमाने में किसी आइडिया को कहीं पहुंचने में वीजा नहीं लगता था, पासपोर्ट नहीं लगता था। हम सब ने उस डेमोक्रेसी को अपनाया, चेरिश। लेकिन डेमोक्रेसी
सेफगार्ड करने की भी चीज होती है। डेमोक्रेसी का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आज गए ईवीएम बटन दबा दिया या बैलेट पेपर दबा दिया, नहीं। डेमोक्रेसी को एक विजिलेंट कॉन चाहिए 24/7। 1949 में अपनी संसद में, उस समय सेंट्रल हॉल था जहां कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट हुई, अपने आखिरी संबोधन में बाबा साहब ने एक बात कही थी। एक चीज जो हम सब जानते हैं कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, राजनीतिक समता, वन मैन वन वोट वन वैल्यू हमने अटेन कर लिया, लेकिन सामाजिक समता और सांस्कृतिक समता और आर्थिक समता अगर हमने अटेन नहीं किया तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी फ्रेजाइल रहेगी, कभी भी उसका खात्मा हो सकता है। ये पहली चेतावनी थी। दूसरी चेतावनी उनकी थी कि किसी की भक्ति धर्म में शायद आपको मोक्ष दिला दे, हालांकि हमने वो भी नहीं देखा है किसी को मोक्ष मिलते हुए। दुनिया से लोग चले जाते हैं, मोक्ष लेके गए या मोक्ष दे के गए पता नहीं चलता। उन्होंने कहा कि लेकिन राजनीति में अगर भक्ति होगी ना तो तुमको हीरो के नाम पर तानाशाह मिलेगा। हम अक्सर हमने अपने इतिहास में ये गलतियां की है। हीरो किसी को बनता रहिए, अपने पिता को भी नहीं, अपनी मां को भी नहीं, अपने शिक्षक को भी नहीं। हीरो बनाते ही आप सवाल पूछना बंद कर देते हैं। और बुद्ध का सिद्धांत था जो मकाल मार्क्स ने भी कहा, डाउट शक करो, दोस्ती करने से पहले शक करो। शक का मतलब ये नहीं होता है जो फिल्मों में शक देखते हैं आप, नहीं। शक का मतलब होता है सवाल, शक का मतलब होता है मानदंड भी लोगों को कहो कि तुम कितने उतर रहे हो। देयर इज नथिंग कॉल्ड लव एट फर्स्ट साइट, कुछ नहीं है, बेईमानी है। इफ देयर इज लव एट फर्स्ट साइट देन यू हैव साइड ऑल योर फ्रीडम, all your agencies at the feet of someone, whether it is your boyfriend or girlfriend or your national hero or a leader or a PM or a leader of opposition. Don't ever do that. वो सबसे खतरनाक चीज है। और डेमोक्रेसी को एक ऑपरेटिंग सिस्टम मानिए। आप सब इस लफ्ज से वाकिफ हैं इसलिए मैं जानबूझ के उस लफ्ज का उपयोग कर रहा हूं। ऑपरेटिंग सिस्टम आप सब जानते हैं। डेमोक्रेसी के ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर है लिबर्टी, फ्रीडम, जस्टिस, फ्रेटरनिटी। ये चार शब्द नहीं है, गौर करिएगा। देयर कैन नॉट बी जस्टिस विदाउट लिबर्टी, देयर कैन नॉट बी फ्रीडम इफ लिबर्टी एंड जस्टिस इज नॉट देयर। हाउ कैन यू इमेजिन जस्टिस विदाउट फ्रेटरनिटी, जिसको भीमराव अंबेडकर साहब कहते हैं conjoint experience and associated living। हमें से अधिकांश लोग तुरंत टिप्पणी करते हैं, ओपिनियन बनाते हैं। मैं एक वाक्य अपनी जिंदगी का आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था बिहार में, सरकारी स्कूल था, हिंदी मीडियम में पढ़ाई होती थी, मैं अपनी क्लास का सबसे मेधावी छात्र नहीं था। मुझसे ज्यादा मेधावी छात्र था एक शिवम नाम का लड़का, दलित समुदाय से आता था। मेरे माता पिता दोनों प्रोफेसर थे। मैंने अपने घर में इतनी किताबें लिखी थी कि छठी सातवीं में मैं शरद साहित्य पढ़ चुका था। फर्स्ट जनरेशन शिवम था, शिवम पीछे छूट गया, मुझसे ज्यादा मेधावी था। वो आज नहीं है, मैं यहां आपके बीच में हूं। अपनी प्रिविलेज की वजह से मैं यहां हूं, अपने मेरिट की वजह से। मेरी तो प्रिविलेज में अंतर समझिए, हम सब आप कुछ प्रिविलेज के साथ पैदा हुए तो हमारा चश्मा भी प्रिविलेज वाला हो जाता है। दुनिया हमें गुलाबी दिखती है, हम समझते हैं सबके लिए गुलाबी नहीं है, हमारे लिए गुलाबी है, बाकी कईयों के लिए नहीं है। इसको उपदेश की तरह मत लीजिएगा, मैं अपनी बेटी को भी नहीं दे पाता उपदेश क्योंकि सवाल बहुत पूछती है। अभी मैं जिक्र कर रहा था एक छोटा हिस्सा, उसको लिखे खत का मैं अगर पढ़ूं, अगर आपकी इजाजत हो इस साल लीजिए, ठीक है।
इस साल की इस चिट्ठी में मैंने उसको लिखा, अ स्मॉलर फ्रेम ऑफ एवरीडे लाइफ हैज इट्स ओन टेम्पटेशन बट यू नीड टू रेसिस्ट देम फॉर दे कैन ऑफर ओनली शॉर्ट ड्यूरेशन प्लेजर एंड ग्रेटिफिकेशन. In order to have much more nuanced engagement with the larger frames, even if they appear uncertain as of now, please do that. Ultimately, it is the understanding of those larger frames which shall help you secure a foothold in society. I am happy to see that you have a mind of your own and also tend to have an opinion on issues and concerns affecting you and your friends. But please, before forming an opinion, you must attempt to triangulation. That is drawing data from different sources. We are a WhatsApp victim generation. You believe in that. You don't question. बचपन में एक कहानी आप सबने पढ़ी होगी, हमारे कलीग्स में तो पढ़ी ही होगी. आरुणि एक गुरुकुल में था और वहां गुरुकुल में होता था कि गुरुजी की सेवा भी होती थी, गुरुजी के खेत भी देखे जाते थे और गुरुजी से शिक्षा भी ली जाती थी. जो भी सिस्टम रहा हो तो उस गुरुकुल में एक दिन क्या हुआ कि खेत पे लोग काम करने का अचानक भारी बारिश शुरू हो गई. वज्रपात के हालात थे, सारे छात्र आ गए खेत से. आरुणी नहीं आए, बड़ी चिंता हुई. तो गुरुजी संभवतः छाता या छाता नुमा कोई चीज रही होगी लेकर के गए. तो आरुणी लेता हुआ था मेड़ पे. यहां क्यों? सर खेत में पानी आ जाता गुरुजी, इसलिए मैं मेड़ पे लेट गया. ये आज्ञाकारिता की मिसाल के लिए हमें पढ़ाया गया था. इस पन्नी को हटा दीजिए, ऐसी आज्ञाकारिता किसी काम की नहीं है. ये ऑबीडियंस, इसको कहते हैं एंटीसिपेटरी ऑबीडियंस. हर पॉलिटिकल सिस्टम आपसे ऑबीडियंस की करता है. डोंट ओबे, क्रिटिक एंड देन ओबे. ये एक चीज मैं कहना चाहता था. और दूसरी चीज, डिफेंड इंस्टीट्यूशंस. ये ना कभी आपको लगे कि आज एक भीड़ का जिक्र आप आजकल सुनते होंगे, वो भी कुछ कर बैठती है. याद रखिएगा, वो भीड़ अखलाक और जुनैद से चलते चलते सुबोध तक पहुंच गई है. तो भीड़ को शिकार चाहिए, भीड़ मत बनिए, भीड़ पर सवाल करिए. क्योंकि अखलाक जुनैद से चली यात्रा अगर ये सुबोध तक पहुंच रही है, कल वो आप तक पहुंचेगी. ये मैंने सदन के अंदर कहा था, प्रधानमंत्री महोदय नहीं थे, बाकी लोग थे. मैंने कहा भीड़ किसी की नहीं होती, भीड़ सब कुछ ली जाएगी. उस भीड़ से आप सब सवाल करें. और आखिर में मैं आप सबको, आपके इस तरफ क्षेत्र को पहली बार आया बालकाम इस भूमिका में, आप सवाल पूछते रहे हैं. क्योंकि लोहिया जी एक बात कहते थे कि सड़क अगर शांत हो जाए तो संसद आवारा हो जाती है. सड़क को शांत मत होने दीजिए. सवाल पूछने का मतलब सेडिशन नहीं होता, हालांकि होने लगा. और व्यक्ति और राष्ट्र एक नहीं होते, सरकार और मुल्क एक चीज नहीं हुआ करती है. 40-41 साल पहले भी किसी को यह मुगालता हो गया था कि सरकार और व्यक्ति एक है. 40-41 साल बाद फिर किसी को मुगालता हो गया है कि सरकार और मुल्क एक है. जिस दिन सरकार और मुल्क एक हो गए ना, हम सब खत्म हो जाएंगे. उसे बचाते रखिए. मुझे कहा गया था आपके ऑर्गेनाइजर से कि एजुकेशन सिस्टम पर मैं थोड़ा बोलूं, कुछ नहीं, डिफेंड योर इंस्टीट्यूशन. पब्लिक फंडेड एजुकेशन के कत्ल की योजना बन रही. और मैं समझ रहा हूं कि अगर पब्लिक फंडेड एजुकेशन नहीं होता तो मैं आपके बीच नहीं होता. फिर मैं जिक्र करना चाहूंगा, जब मेरी बेटी के 12th का रिजल्ट आने वाला था
अनसर्टेन वो थी, उसने मुझसे कहा कि पापा मैं अशोका में अप्लाई करूं, मेरे बहुत सारे बैचमेट अप्लाई कर रहे हैं। मैंने कहा मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। और याद रखिएगा, आप में से कुछ प्रिविलेज होंगे, लेकिन इस मुल्क की 3/4 आबादी अनप्रिविलेज, अंडरप्रिविलेज, उनके नजरिए से सोचिए, संस्थाओं को बचाइए, अपनी रवायतों को बचाइए, अपने पड़ोस को बचाइए, और इतना कर लीजिए तो हमारे जनरेशन ने जो गुस्ताखियां, जो गलतियां की हैं, आप उन सब को भर देंगे। शुक्रिया, जय हिंद।